नमस्कार, मेरा नाम है मुबारक और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप की चुनावी यात्रा। हम इस वक्त महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में हैं। हम यहाँ अभी अभी पहुँचे हैं। अमूमन जब हम किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो बहुत रात हो चुकी होती है, तो हम होटल में चले जाते हैं, अपना काम निपटाते हैं, सो जाते हैं, शहर में दूसरे दिन सुबह निकलते हैं। आज हम थोड़ा जल्दी पहुँच गए तो हमने सोचा क्यों ना रात का शहर देख लिया जाए। तो हमारे लोकल साथी है इसरारुद्दीन, उन्होंने हमसे कहा कि चलिए आपको एक फेमस जगह लेकर चलते हैं। वो फेमस जगह है तारा पान सेंटर। इस दुकान की हमने इतनी तारीफ सुनी है कि यहाँ आने का लोभ हमसे रोका नहीं गया। इस दुकान में 15 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक के पान मिलते हैं। जब हमने यह आंकड़ा सुना तो हमारी तो आंखें फटी की फटी रह गई कि भैया 5,000 रुपए का पान कौन खाता है। ये मेन्यू है, एक नज़र आप इस पर डाल लीजिए, फिर हम इसके प्रोप्राइटर से बात करेंगे दुकान के। यहाँ पहले नंबर पर जो लिखा है वो है कोहिनूर मसाला पान, जिसकी कीमत है 5,000 रुपए। दूसरे नंबर पे कपल पान है जो 3,000 का है। एक हनीमून मसाला है जो 1,500 का है, और एक राजा रानी मसाला है जो 500 रुपए का है। इसके अलावा बेशुमार नीचे किस्में हैं पानों की। कम से कम नंबर है 51 तरह के पान यहाँ मिलते हैं। तो हम अचंभित है ये देख के कि एक पान सिंपल जो हम 15 रुपए का मसाला पान खाते हैं, कुछ लोग हैं जो जर्दा वाला खाते हैं, हमें इन दोनों के अलावा कोई किस्म पता ही नहीं है। पर यहाँ तो भैया बाहर आई हुई है, तो हमें पता चला कि चचा जो हैं, जो अभी भी पान लगा रहे हैं, जिनका नाम शरफुद्दीन सिद्दीकी साहब है, पर उन्हें सब प्यार से शरफू चचा बोलते हैं। हम उनसे बात करेंगे। चचा आदाब। आदाब आदाब। कब से लगाई है आपने ये दुकान? ये 1968 से। 1968 से इतना लंबा और अरसा हुआ चल रही है दुकान। जी जी। कैसे शुरू की थी ये? मेरी माँ ने मेरे जेवरात बेचकर, उनके जेवरात बेचकर मेरे को दिए जी, कि बेकार मत फिर जी, काम कर जी, पान की दुकान खोल जी जी। तो मैंने कहा पान की दुकान मैं खोलू, मैट्रिक पास है और मैं पान की दुकान खोलू जी। तो मेरी माँ ने बोली सबसे बड़ा है रोग क्या कहते हैं लोग। वाह, सुने क्या जी? तो बोले बेटे कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता जी जी जी, मांगना छोटा बड़ा से अच्छा है कि तुम मेहनत करो जी जी। तो क्या उम्र थी आपकी तब? उससे मेरा 18-19 साल की उम्र थी। 18-19 साल की उम्र थी। उससे पहले कुछ करके आए थे आप? नहीं कुछ नहीं, बम्बई गया था मैं। बम्बई में थोड़ा कोशिश किया जी, फिल्म दुनिया में घुसने की इधर उधर जी जी, तो वहाँ तो कोई रास्ता नहीं मिला जी। तो मेरी माँ ने मेरे को लेटर लिखा बेटे तुम यहाँ आ जाओ जी जी जी, क्योंकि वहाँ खादर खां था जी, उसके पास कुछ काम करता था जो बहुत डायलॉग्स लिखता था, तो उससे कुछ हंसी मजाक की बातें हो जाती थी डायलॉग लिखने के टाइम पे जी, तो बहुत से जोक्स वगैरह उससे होते थे, वो मेरे से सुनता था, मैं उससे सुनता था जी जी। ऐसे करते फिर यहाँ आके मैंने पानी की दुकान माँ की आदेश पर खोला जी जी। रजत जी थोड़ी यहाँ से दिक्कत हो रही है, मैं ऐसा करता हूँ अंदर चला जाता हूँ, अंदर से चचा से तसल्ली से बात हो पाएगी। तब तक आप दुकान दिखाइए, तरह तरह के पान हैं यहाँ पर, इतनी किस्में हैं पान की कि देखकर हैरानी होती है। सर थोड़ी सी साइड देंगे, कहाँ से रास्ता है अंदर का? अच्छा, शुक्रिया। यहाँ पीछे भी बहुत सारे पान लग रहे हैं, मैं अंदर पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। दुकान काफ़ी बड़ी है और मैं किसी तरह से चचा के पास पहुँच गया हूँ। चचा कैसे हैं? आप खुद भी पान खाते हैं? हाँ, खुद का बनाया हुआ। दिन में कितने पान खाते हैं? मैं तकरीबन 40 पान खाता हूँ। दिन में 40 पान आप खुद खा लेते हैं, धंधे पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ता? धंधे पे असर नहीं पड़ता, मेरा दिमाग बहुत तेज चलता। अरे बहुत बढ़िया, धंधे में माशाल्लाह काफी बरकत है। ऊपर वाली की मेहरबानी। बताइए आपकी दुकान में एक पान लिस्टेड है 5,000 रुपए का जी जी, उसमें क्या डलता है? असल बात ये की जो 5,000 का जो पान है जी, ये जो पुरानी थ्योरी में बनता है, जो हकीम लोग, नवाब लोग, महाराजा लोग और जो बड़े बड़े जो रईस थे, तो वो पान बना के खाया करते थे जी जी। पान हमारी हिंदुस्तान की तहजीब है। पान हमारी हिंदुस्तान की तहजीब है, बहुत सुंदर बात। ये क्या है, जब भी यहाँ पर पान का जो शौक है हर समाज में है जी, और ये पान का शौक हमारे लिए, इंडियंस के लिए इतना अहम है कि खुशी हो के गम हो पान लगता है, पान लगता है। अच्छा, हकीम लोगों ने पान में दवाई दी है जी, बड़े बड़े राइटर्स पोइटर्स गीत बड़े बड़े लिखे कान पान के ऊपर जी जी। जब भी खुशी का मौका होता है या शादी ब्याह का मौका होता है तो कई डायलॉग्स पान पे है कि मैंने पान का बीड़ा उठा लिया,
सुनेगा, तो ऐसे कई डायलॉग्स पान के ऊपर ही हमारी। आपका पसंदीदा गीत कौन सा है पान पर बना हुआ? अरे कैसा हुआ था, अमिताभ बच्चन साहब है ना जी, जी एक दफा यहाँ पान खाने को आए थे वो, फिर दूसरी बार पान खाने को आए तो मतलब पान खाओ तो कहा दाँत आता सब गिर गए मेरे। अच्छा, अब मैं पान नहीं खाता, मैं तेरी दुकान देखने को आया जी, क्या अभी भी तू चला रहा? मतलब हाँ, बोले यार पान के तो बहुत फायदे है, पान के बहुत फायदे है जी, मगर मैं नहीं खा रहा। मैंने बोला एक फायदा तो आपसे मालूम पड़ा जी। बोले वो कौन सा फायदा है? मैंने बंद दखल का ताला खुल जाता जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका पसंदीदा गाना डॉन का है, घई के पान बनारस वाला। बहरहाल मैंने सुना कि ओवैसी साहब ने आपकी दुकान का किसी संदर्भ में जिक्र किया था, आप वो किस्सा बताएंगे? ये देखो ऐसा है, ये पॉलिटिशियन जो होते हैं ना, जब भी उनको उनको अपनी परेशानी नजर आती तो किसका नाम लेके मर जाते हो जी। जी जी। तो वो याद है आपको उन्होंने क्या कहा था? उनको ये कहा था, पब्लिक को मशवरा दिए थे उन्होंने कि भाई पान खाओ और खुशी मनाओ जी। ठीक है, अब यहाँ आपके यहाँ सबसे ज्यादा बिकने वाला पान कौन सा है? मेरे पास तारा स्पेशल है। तो तारा स्पेशल दिखा पाएंगे आप वो कैसे बनता है, क्या है उसमें? पीछे बनता बताया। अच्छा, कोई बना रहा है क्या? जी जी जी, ये है तारा पेठा। अच्छा, ये है, ये इसमें क्या, ये इतर है क्या? जी जी। ये क्या पैकिंग होकर कहीं जा रहा है? ये कहीं पैकिंग होकर जा रहा है? ये जो पान है ना जी, जो जिसकी बहुत धूम मची हुई है जी, ये है वो पान जी, जिसको कोहे नूर पान, कोहे नूर 5000 वाला पान है। 5000 वाला पान दो है, दो पान लगे भाई। हाँ, दो पान है, एक लेडीज का पान है जी और एक जेंट का पान है। अच्छा, कपल को खाना होता है? कपल को खाना पड़ता है। बहुत बढ़िया पान है ये। हाँ, 5000 रुपए, प्यार बढ़ता होगा इससे इंशाल्लाह। प्यार बढ़ती है, मोहब्बत बढ़ती, जोश बढ़ता। जी जी जी, बिल्कुल। ये जो छोटे छोटे अलग रखे है, ये कैसे यूज होते हैं? ये जो पान है मगही पान होता है, ये मगही पान। हाँ, मगही। कितनी किस्में होती है पानों? पान तो ऐसे 5 किस्म के होते पत्ते, जैसे जैसे मगही हो गया जी, बनारसी हो गया, कपूरी हो गया, कलकत्ता हो गया जी, और बंगला पान हो गया जी। तो ये मगही है, ये मगही। ये इसके बारे में बताइए। ये पान है बनारस में आता, बनारस बनारस में इसको लोग बहुत पसंद करके खाते जी। बनारस है, लखनऊ है, जितना यूपी का इलाका है ये बनारसी पान खाया जाता जी, और जितना नीचे का इलाका है जी वहाँ मीठा पान कलकत्ता पान खाया जाता, कलकत्ता पान खाया जाता है। अच्छा, आपके यहाँ अभी करंट में कितने ऐसे पान हैं, जो 5 किस्मों में से कितने पान आप इस्तेमाल करते हैं? पाँचों आपके यहाँ इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं देख रहा हूँ रात 11 बजे से ज़्यादा का समय है और अभी भी बहुत भीड़ है, तो दिन में ज़्यादा ही होती होगी, तो जाहिर सी बात है बहुत पान बिकता है जी, जी। तो बहुत पान बिकता है तो इतना सारा स्टॉक आप कहाँ से मंगाते हैं? ये मेरा पान आता है कलकत्ता मछेदा से। अच्छा, रेगुलर रोज़ाना आपका पान आता है? एक दिन। अच्छा, पान कितने दिन टिकता है आने के बाद, तोड़ने के बाद कब तक टिकता है? पान बनाने के बाद 3 दिन टिकता है। 3 दिन टिकता है, और बगैर बनाए 8 दिन। बगैर बनाए 8 दिन। तो क्या इसे कहीं स्पेशल स्टोर करके रखते हैं आप, कोई कहीं फ्रिज में बर्फ में कुछ ऐसा होता है? नहीं नहीं नहीं, पान ऐसे कैसा रखा जाता है, किसी खास घास में रखा जाता हो? नहीं नहीं। आता कैसा है पैक होके? ये घास में पैक होके आता है। घास में पैक होके आता है, फ्लाइट से आता है, ट्रेन से आता है? ये ट्रेन से आता है। अच्छा, और मैंने सुना है कि आप इंडिया और विदेशों में भी बाहर भेजते हैं पान, तो ये सिस्टम कैसा होता है कि भाई मैं दिल्ली हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ, मुझे आपका कोई पान पसंद आया, मुझे मंगाना है, मैं कैसे मंगाऊँगा? पहले फ्लाइट वाले पान लिया करते थे जी, पहले गल्फ कंट्री में पान जाया करते थे जी, मगर गल्फ कंट्री में पान बैन हो गया। अच्छा, बैन हो गया। अच्छा, वजह क्या बताइए? वहाँ का ऐसा हिसाब है, उनको वजह की क्या जरूरत? बिल्कुल, उनको वजह की क्या जरूरत जी, बिल्कुल। चलिए, तो फिर आप बाहर इंडिया में ही कैसे भेजते हैं? जहाँ जहाँ लग्जरी गाड़ी जाती है। किसकी गाड़ी? ट्रेवल ट्रेवल। अच्छा ठीक, उनके जरिए भेजते हैं। तो मुझे मंगाना हो तो मुझे ये देखना होगा कि औरंगाबाद से कोई ट्रेवल वॉल्वो बस, कोई ट्रैवलर गाड़ी दिल्ली आ रही हो, तो मैं उसका ड्राइवर से कहूँ कि भैया आ जरा मेरे पान उठा ले आना। ठीक है, आपके यहाँ कितने लोग काम करते हैं? मेरे पास 23 लोग काम करते हैं। 23 लोग काम करते हैं, यानी कि एक छोटी सी दुकान जो आपकी मम्मी ने जेवरात बेच के खड़ी कर दी, उससे आपने आज 23 लोगों को रोज़गार दे रखा है। बहुत बढ़िया। तो ये तो मोदी जी के स्किल इंडिया के तहत आता है?
हाँ खरी खरीब आता है, आता है ना, तो आप तो ब्रांड एम्बेसडर होने चाहिए उसके। असल बात क्या है, ये हाथ मेड है ना। हाँ हाँ, अगर मिशन मेड होता तो हर जगह फैला देते। हर जगह फैला देते यार, ठीक है। तो आपके यहाँ कितने बजे दुकान खुलती है? मेरी 9 बजे दुकान खुलती है, 12 बजे बंद होती है। 9 बजे खुलती है, 12 बजे बंद होती है। तो क्या वर्कर शिफ्ट में काम करते हैं? हाँ, दो शिफ्ट में काम करते हैं। दो शिफ्ट में काम करते हैं। एक वक्त में सुबह जो 9 बजे आता है वो कब जाता है? जो 9 बजे जो आता है फिर वो 2 बजे जाता है जी, और जो 2 बजे आता है 12 बजे आता है। तो ये जो मीठा पान है आपके यहाँ, इसमें डलता क्या क्या है? ये जो इतनी सारे जार रखे हुए हैं ये कैसे दिखा पाएंगे हम? रजत जी, आपका कैमरा पहुँचेगा नहीं, यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये क्या है कुछ इसके बारे में बताइए हमें। आज ये देखेंगे कि डिपार्टमेंट का काम है ये जी, पीछे पान बन रहा है आप जाके देख लीजिए जी जी जी, कि कैसा पान बन रहा है जी जी जी। आप दिखा पाएंगे अगर हमें चल के? आइए, कैमरा थोड़ा पॉज करना पड़ गया था क्योंकि घूम के आना पड़ा है। तो ये है वो जगह जहाँ पान फैक्ट्री की तरह असेंबल हो रहे हैं, बहुत सारे पान रखे हैं, मशीन की तरह हाथ चल रहा है, एक एक चीज़ उस पर लगाई जा रही है। शुरू से बताइए, जैसे कि ये पान है, मैं देख रहा हूँ कि इस पर कुछ नहीं लगा हुआ, पहले क्या होता है, पहला स्टेप क्या है? ये देखो, ये जो है ना जी, ये जो पान आपको बताया कि जो सब में ज़्यादा बिकते हैं जी जी, दुबई वगैरह बाहर लोग जाते हैं, वो तारा पेशल 30 वाला है जी। हाँ, ये यहाँ शुरू करो, ये है चटनी लगाई जाती है जी। ये चटनी होती है केसर की, ज़ाफ़रान की, मुश्क की चटनियाँ होती है, हरी और लाल दोनों, और हरी और लाल दोनों, हरी और लाल दोनों जी। ये एक चटनी होती है जी, जिसको खासतौर पर गोल्डन चटनी कहते हैं, कहा गोल्डन चटनी। हाँ जी हाँ, और एक अगर चटनी होती है, ये अगर अगर चटनी। अच्छा, ये कैसी होती है? ये होती है बंगाल की, खुशबू से बनती है चटनी, खुशबू से बनती है। हाँ, चलिए चलिए फिर। तो ये सब पानों को चटनी लगाने के बाद जी इसे मसाला डाला जाता है, मसाला मसाला जो वो भाई साहब डाल रहे हैं जी। ये इसमें क्या है, इस मसाले में? यहाँ डालो, इस मसाले में क्या है? इस मसाले में सौंफ है, खोपरा है जी, अपने क्या बोले तो अपने जो खुशबू के जो आइटम होते हैं, बीज होते हैं ना, खोपरा यानी नारियल, नारियल है जी। हाँ। और इसमें सौंफ है, सौंफ है, और ये जो खरबूज वगैरह के जो बीज होते हैं वो जी, है जी, खरबूज बीज है, बीज है। और इसमें एक खास जो चीज होती है जी जी, जो मीठा करती है, उसको एक गुलाब पाउडर आता है, वो गुलाब पाउडर डाला जाता है। अच्छा, गुलाब पाउडर डाला जाता है, उसके बाद क्या होता है? ये गुलाब पाउडर डाला पड़ा। अच्छा, ये है, ये जो डल रहा है ये खजूर है, खजूर, ये खजूर भी डलता है। हाँ, खजूर डाले जाता है, ये है खजूर, यहाँ डाल कैसे छोटे छोटे पीस है। हाँ, ये ऐसे, ये है, ये गुले लाला। अच्छा, ये लाल जो बॉर्डर है जी जी, ज्यादा डाल, ये ज्यादा डाले जाता है, जो पान रहा, जो पान को मिठास में इजाफा होता है, इजाफा होता है, और खुशबू में इजाफा होता है, खुशबू में भी इजाफा होता है। बहुत बढ़िया, फिर अभी ये मुकम्मल है? नहीं, अभी इसमें गुलकंद डाला जाएगा, अभी गुलकंद भी डाला जाएगा, यानी बहुत सारी चीज़ें डल रही है इसमें लगातार। स्पेशल लो, तो ये गुलकंद है। हमारे यहाँ तो जो हम पान खाते हैं अमूमन, तो हमें तो लगता है उसने गुलकंद डाला है, सौंफ, वो सुपारी उपारी डाली है, दो चीज़ें डाली है, पर यहाँ तो काफ़ी लंबा चौड़ा काम है, 5-6 आइटम डाले जाते हैं। ये गुलकंद है जी, ये गुलकंद डाला जाता है। अच्छा, ये गुलकंद डाल दिया, अब मुकम्मल हुआ ये? अब ये मुकम्मल हुआ, अब मुकम्मल हुआ, फिर इसको आप पैक करेंगे? हाँ, पैक कैसे होता है ये बता रहे, जरा पाउडर मार थोड़ा सा। अच्छा, ये देखो, ये है इधर से। अच्छा, ये पाउडर क्या है? ये पाउडर होता है, चॉकलेट टाइप का पाउडर होता है, चॉकलेट टाइप ही लग रहा है। हाँ, चॉकलेट टाइप पाउडर। हाँ, लपेटना शुरू करो। अच्छा, फटाफट लपेट, आप लपेट के दिखाइए। अच्छा, इसको इस तरह से फोल्ड किया और इसमें ये सीक लगा दी और उस पर वो लगी हुई है। बहुत बढ़िया, तो ये पान तैयार होके इसमें इस वाले बर्तन में रखे जाएंगे। जब बर्तन भर जाएगा तो आप पीछे दुकान पे पहुंचा देंगे, वहां से ये बेचे जाएंगे। तो ये यहाँ लगातार काम चलता ही रहता है, लगातार काम, थकते नहीं है ये लोग। हाँ, काफी काफी दिलचस्प प्रोसेस है इसका, और पान देखते हुए उसको खाने का भी मन कर रहा है। एक बात बताइए, आप तो इतने सालों से चला रहे हैं दुकान, अब आपने अपना ये हुनर अपनी नई पीढ़ी तक भी पहुँचाया होगा? असल बात, मेरे को एक लड़का है जी, और वो लड़का को अभी
जो खड़ावा है जी जी उसको ट्रेंड किया है अभी ट्रेंड किया है मगर राष्ट्र की बात नहीं बताया अभी जी बताइए नहीं तो राष्ट्र की बात नहीं बताया उसको जो अच्छा, राज अभी आपने उनको नहीं बताया है कि क्या नुस्खा क्या है क्या है क्योंकि कैसा है जवानी में गलत काम नहीं होना चाहिए अच्छा तो आप उनको थोड़ा और समझदार होने देंगे थोड़ा और पकने देंगे तब बताएंगे चलिए बढ़िया ये बुजुर्गों की अपनी टैक्टिक होती है कि कब क्या बताना है उनका अपना तजुर्बा है हमें बड़ा मज़ा आया इस दुकान में आकर यहाँ बहुत पान बनने का फैक्ट्री तनुमा तरीका दिखा और इतने सारे पान इतने तरह तरह के पान देख के हमारे तो होश उड़े हुए हम तो यहाँ पान खाने के लिए ब्रेक ले रहे हैं आप सबको नमस्ते आप लल्लन टॉप देखते रहिएगा हम इस वक्त औरंगाबाद शहर में और कल भी रहेंगे तो आप आइए मैसेज कीजिए मिलिए शहर में बात करेंगे राजनीति पे बात करेंगे जिसके लिए हम आए हैं यहाँ तो हम चचा से मिलने आ गए थे नमस्ते कैमरे के पीछे रजत जी है मैं कभी बार भूल जाता हूँ बताना उन्हीं की मेहनत है जो इतने अच्छे वीडियो आप तक पहुँच रहे हैं नमस्कार।